बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, विश्वविद्यालय थाने पर महिलाओं ने हंगामा किया है। मृतक सोनू आदिवासी के परिवार वालों ने हंगामा किया है। महिलाओं पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। आरोपी को धमकाने से महिलाएं नाराज हैं। आरोपी के नाम बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। एसपी के आश्वासन के बाद महिलाएं वापस लौट गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, विश्वविद्यालय थाने पर आप देखिए किस तरह से महिलाओं ने जोरदार हंगामा किया है और महिलाओं को यहां से हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, पूरा मामला क्या है जरा बताइए। जी मैं बता दूं कि अभी सदर थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर में बीते दिनों एक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें चाकू मारकर जिसमें युवक की हत्या उसके परिजन रिश्तेदार थे उन्होंने की थी, जिसके बाद जब आज महिलाओं के द्वारा जहां पर हंगामा किया गया था, हालांकि इस दो आरोपी पहले गिरफ्तार पुलिस ने कर लिए थे, लेकिन जहां पर हंगामा के बाद बाकी महिलाएं इकट्ठी थाने पहुंची थी और हंगामा कर रही थी, उसी दौरान जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस को थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद महिलाओं को जब शांत हुई तब यहाँ पे पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी यहाँ मौके पहुंचे। महिलाओं को समझाया गया कि जो पुलिस की कार्रवाई थी वो तुरंत में 24 घंटे के अंदर भी जो सगे जो हत्यारे आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो पिता फरार है वो भी गिरफ्तार जल्दी कर लिया जाएगा। लेकिन महिलाओं का कहना था कि जो कि आरोपी पक्ष है उनको धमका रहे हैं और साथ ही जो और जो हत्या में शामिल है और भी लोग हैं जिनके नाम पुलिस नहीं बढ़ा रही है। हालांकि इसमें आश्वासन पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है, जांच में जो भी और भी नाम आएंगे तो उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और इसमें जब महिलाएं शांत हुई उसके बाद यहाँ पूरा मामला शांत किया गया। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए महेंद्र।